आप परमेश्वर के वचन को देख पाएंगे जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, चाहे आप चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं, चाहे आप विश्वास कर रहे हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता पाने की, चाहे आप संपन्नता पर या किसी बात पर भी विश्वास कर रहे हैं, आपका व्यापार या चाहे जो भी हो, जिस बातों के लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, आप उसके बारे में परमेश्वर के वचन को ले और उसकी प्रतिज्ञाओं को ले जो वो कहता है, आपकी समस्या के लिए प्रभु का जवाब, और उस पर आप मनन करते जाएं, और जब ये मनन आप में काम करता है, मनन का परिणाम ये होता है कि आप जल्दी ही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन वास्तविकता होता है और आप खुद को उस वास्तविकता में चलते हुए देखेंगे। How he could love me, a sinner condemned, unclean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. चलिए देखते हैं फिलिपियों अध्याय 4। देखिए वचन 6, किसी बात की चिंता न करो। सरल अनुवाद में कहेंगे किसी की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। सरल शब्दों में कहे, कोई चिंता न करना, सारी बातों के लिए प्रार्थना करना। चिंता न करो, प्रार्थना करो, ठीक है, चिंता न करो लेकिन प्रार्थना करो। हम इसका उल्टा ही करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, चिंता करते हैं। यही तो समस्या है। पौलुस इसे जेल से लिखता है, उसे यह लिखना चाहिए था, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो बाहर के लोगों को लिखता है, कहता है चिंता ना करो, हर बात के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, अपनी विनती प्रभु के सामने रखो। चिंता से लाभ नहीं, क्योंकि चिंता से आपका ढांचा खत्म होगा, चिंता से आत्मा कुचली जाएगी, आपकी आत्मा कुचली जाएगी, और चिंता करने से सच में आपका शरीर घटते जाएगा, आप शरीर में इसके परिणाम देखेंगे। चिंता न करो वो कहता है, यीशु भी ये सिखाता है, कहता है चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो सब पूरा करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी ये जरूरतें हैं। चिंता न करो ये ऐसा है जो बाइबल में पूरा सिखाया गया, चिंता न करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। मुझे याद है कुछ साल पहले, 15 साल पहले शायद, किसी ने ये गीत लिखा जो कहता है डोंट वरी बी हैप्पी, याद है, और वो उन्होंने इसकी लाखों कॉपी बेची और वो आदमी करोड़पति बन गया। उन्होंने बस ये लिखा, चिंता ना करो, खुश रहो, और सबको ये पसंद आया, ये संदेश इतना अच्छा था, ये तो बाइबल का संदेश है, जानते हैं
ये बहुत ही अद्भुत संदेश है, चिंता न करो खुश रहो। और ये संसार का व्यक्ति उसने इस गीत को लिखा, कहा चिंता न करो खुश रहो, और सबको ये पसंद आया। मुझे पता नहीं ये ऐसे कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्हें ये विचार पसंद आया, चिंता न करे बस खुश रहे। ये वास्तविक है, हमें चिंता से दूर रहना है, क्योंकि चिंता जीवन पर असर डालती है। इसे देखते हैं, किसी बात की चिंता ना करो, प्रार्थना करो, यह है वचन 6। और वचन 7, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप चिंता नहीं करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शांति आप पर राज्य करेगी, आप शांति में होंगे, और ये ऐसी शांति है जो सारी समझ से परे होती है। लोग नहीं समझ पाएंगे आप कैसे शांति में रह सकते हैं, ये शांति है जो सारी समझ से परे है। और फिर ये कहता है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो सभी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, तो उन पर ध्यान लगाया करो, इस तरह से वचन कहता है। क्या यह अद्भुत नहीं कि ये नहीं कहता कि अपनी समस्या के बारे में सोचो, कर्जे के बारे में जरा सोचो, हर रोज वो बुरा जो हो सकता है उसके बारे में सोचते जाओ, थोड़ा सा उसके बारे में विचार करो। नहीं, वो कहता है केवल अच्छी बातों के बारे में सोचो, स्तुति के योग्य सद्गुण से भरी जो बातें अच्छी है केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते जाओ। पौलुस बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहा था, मन ये इसलिए नहीं बना है कि नकारात्मक सोचे, ये इसलिए नहीं बना कि गलत विचार करते जाएं। जब आप मन में नकारात्मक बातें रखते हैं तो फिर ये मन इसे ऐसे प्रत्युत्तर देगा जैसे कंप्यूटर वायरस को प्रत्युत्तर देता। जब कंप्यूटर में वायरस आए तो वो अलग व्यवहार करता है, ठीक है, मतलब सब कुछ अलग व्यवहार करने लगता है, ये पहले जैसे नहीं रहा, इसमें गड़बड़ी है, आप जानते सब गड़बड़ी में आ गया है, और हर समय ये और भी बुरा होती जाता है, और फिर अंत में काम करना बंद करता है। बहुत से लोगों का मन बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि वायरस चला गया है, कुछ तो भी नकारात्मक चला गया है। मन इसलिए नहीं बना है कि नकारात्मक बातों को संभाले, मन केवल सकारात्मक बातों को संभालने के लिए है। कंप्यूटर मन के अनुसार बनाया गया, इसका डिजाइन इसी के अनुसार बना है, ये इस तरह से बना है कि काम करे लगभग कंप्यूटर जैसे ही, इससे काम करना है केवल अच्छी चीजों पर, अच्छी शुद्ध चीजों पर, यह मन के लिए अच्छा। अगर आप गलत और बुरी चीजें रखते हैं तो मन इसे बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रत्युत्तर देता है, आप परेशानी में फंसेंगे, आपके पूरे जीवन पर इसका असर पड़ेगा। और इसलिए मन और हमारे जीवन में संबंध होता है, केवल शरीर में नहीं लेकिन जीवन में भी। क्या हम शांति में हैं, क्या हम सफलता पाएंगे, ये सब का संबंध होता है हमारे मन से और हमारी मन की दशा से। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूं मन को नया बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन को नया बनाने से ये मन को आज्ञा देता है, इसे तैयार करता है कि परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में जीते जाए। अब जब यहोशू तैयार हुआ इसराइलियों के साथ में कि वो कनान के देश में जाए, वो यरीहो तक आए, पहली बार चूक गए थे क्योंकि याद है 12 जासूस गए थे, वापस आकर 10 ने बुरी खबर दी थी, बुरी खबर, लोगों ने उस पर विश्वास किया और पूरी पीढ़ी नाश हो गई। अब इस बार वो आते हैं, इस बार परमेश्वर यहोशू को निर्देश देता है कि वहां पर कैसे जाए, यहां तक आए हो अब भीतर कैसे जाए, रथों और घोड़ों को न देखना, राजा और सेना, इतनी बड़ी शहरपनाह को, इन सारी बातों को तो किसे देखना। अब परमेश्वर उसे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा रहा है जो उसने स्थापित किया था। सुनिए यहोशू अध्याय 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू अच्छी सफलता पाएगा। संपन्नता और सफलता ये बुरे शब्द नहीं है, ये विश्वासियों के लाभ के लिए कहता हूं, ये अच्छे शब्द हैं, परमेश्वर का ये विचार है, इसलिए मैं इस पर प्रचार करता हूं। ये ना सोचे ये सैमुएल अदराई का विचार है या फिर किसी और प्रचारक का विचार है, नहीं, ये परमेश्वर का विचार है। परमेश्वर संपन्नता और सफलता के बारे में कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं जाना था, मैं तो बस यहीं पर जन्मा था, सफलता को कैसे जानता और संपन्नता को कैसे जानता कोई मौका ही नहीं था, मैंने इसे बाइबल से ही सीखा है, परमेश्वर से सीखा है, उसने मुझे दिखाया कि कैसे संपन्न हो और कैसे सफलता पाए।
परमेश्वर कहता है तुम संपन्नता और सफलता पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से संपन्नता और सफलता पाओगे वो संसार का तरीका नहीं है, धक्का देना वगैरह नहीं, इस व्यक्ति को नीचे खींचना नहीं और युक्ति करके उस व्यक्ति को बाहर निकालना और वो सारे काम, ये तो सिर दर्द है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सिर दर्द है जब आप उसमें से जाते हैं, जब आप योजना बनाते हैं, युक्ति करते हैं, ये सारी बातें। विश्वासियों को इसके अनुसार नहीं करना है, परमेश्वर का भक्तिपूर्ण तरीके से हम करते हैं और इस भक्तिपूर्ण तरीके को कहते हैं मनन करना। परमेश्वर कहता है मैं अपना तरीका दिखाऊंगा, जो भी मैं कहता हूं कि तुम्हारा है, जो भी मैं कहता हूं कि तुम ये पा सकते हो तो तुम इसे पा सकते हो केवल इस तरीके से। तो रास्ते की सारी चीजों को न देखे, सारी रुकावटें और सारी रोकने वाली चीजों को और बाकी सारी चीजों को, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जो आपके सामने है, तुम इसे पाओगे क्योंकि मैंने कहा तुम्हारे पास ही होगा, बस तुम्हें मनन करना है। जो मनन करना है ये तुम्हारे अंदर एक बदलाव लेकर आएगा कि तुम उसे ले लोगे जो मैं देना चाहता हूं, नहीं तो इसे नहीं लोगे। कैसे यहोशू और उसके लोग यरीहो को ले सकते थे, वो तो उनके लिए बहुत बड़े थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, सेना शक्ति में बड़े थे, बहुत से हथियार थे, बड़ी दीवारें थी, बहुत ऊंची, दानव थे वो, संभव नहीं था, शारीरिक रूप में संभव नहीं था, पृथ्वी की बातों के अनुसार संभव नहीं था, लेकिन प्रभु के पास तरीका था, मनन के द्वारा ये संभव होगा। मनन बहुत ही अद्भुत है, सभी को लगता है कि यह असंभव है, लेकिन आप मनन करते चले जाएं, आप बहुत ही जल्दी ऊंचाई पर होंगे और आप नीचे देखेंगे और सब लोग कहेंगे तुम ऊपर कैसे पहुंचे, कहिए मनन करना, जानते हैं, ठीक है। मनन करना प्रभु का तरीका है, प्रभु के तरीके से काम करना है, ये काम करता है। जब मैं ऐसे मनन के बारे में कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए मैं बाइबल के मनन के बारे में कह रहा हूं, बाहर ऐसे बहुत से मनन चल रहे हैं, इस तरह का मनन, उस तरह का मनन, हर तरह की चीजें हैं। मैं सोचता हूं उनमें से कुछ लोग बाइबल में जाकर इसे देखे हैं। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए सफलता और संपन्नता पर, जैसे बॉर्न टू विन और इस तरह की किताबें, ये अच्छी किताबें हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब कुछ बाइबल से ही लिया गया है। उन्होंने लिया परमेश्वर के सिद्धांत सफलता और संपन्नता के लिए और यीशु मसीह को छोड़ दिया, उन्होंने केवल सिद्धांत लिए, इसलिए आप उन किताबों में यीशु को नहीं देखेंगे, आप किताब में केवल सफलता और संपन्नता देखेंगे। ये सब बाइबल के ही सिद्धांत हैं खास करके, और ये ज्यादातर लोक प्रचारक भी हैं, और फिर आगे वो मोटिवेशनल प्रीचर बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बने, ठीक है। और विश्वासी लोगों ने क्या किया, उन्होंने बाइबल में से यीशु को लिया और संपन्नता के सिद्धांत छोड़ दिए। देखिए सच में यही तो हुआ है, देखिए वो कहते हैं ओनली जीसस, आप क्या करेंगे, जानते हैं, मैं केवल यीशु पर विश्वास करूंगा, मरकर स्वर्ग में जाऊंगा, बस इतना ही वो जानते हैं। विश्वासी लोग ऐसे हो गए हैं, यानी दो सीमाएं हैं, एक तो ऐसे लोग हैं जो बाइबल के सिद्धांतों को लेते हैं लेकिन सिद्धांत के परमेश्वर को छोड़ देता है, ऐसा परमेश्वर जिसने ये सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसने ये सिद्धांत स्थापित किए हैं, और फिर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिद्धांतों के परमेश्वर को लेते हैं लेकिन उसके सिद्धांत नहीं लेते, तो वो सफल नहीं होते हैं। तो संसार के लोग सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धांत को लिया और ये लोग स्वर्ग में जाते हैं मरने के बाद। अगर आपको लगता है वो काफी है तो ये आप पर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूं ये काफी नहीं है क्योंकि मैं इस संसार में एक उद्देश्य के साथ में हूं। अगर इस पर विश्वास नहीं करता तो यहां क्या कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं जो कर रहा हूं उसमें मैं सफलता पाऊं, विश्वास करता हूं मुझे संपन्न होना है, कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मेरे जीवन में कुछ काम नियुक्त है, और इसलिए मेरा मन नया हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को मैं पूरा करती जाऊं, मेरी सोच में मुझे बदला हुआ व्यक्ति होना है कि मैं अपने जीवन में वो कर सकूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। मेरे लिए केवल मरकर स्वर्ग में जाना काफी नहीं, जब ये होगा तो अपने आप हो जाएगा। देखिए उसे करने में मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन अभी इस समय जब मैं जीवित हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं और उसने मुझे जो कुछ भी बताया है उसे पूरा करना चाहता हूं कि उसे सफलता से करूं और इसे सच में महान रूप में अच्छे से करूं, मैं ये करना चाहता हूं, और इसे करने के लिए मुझे अपने मन को पूरी तरह बदलना होगा कि इसे कर सकूं। जीवन में उद्देश्य होता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते रहूं और इस जीवन में प्रभु की सिद्ध इच्छा पूरी करूं, मुझे मेरे मन को बदलना ही होगा, नहीं तो इसे नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब प्रभु कहता है मनन करना, ये मेरा तरीका है। मनन करना क्या है, ये क्या करता है,
और मैं बताऊंगा कैसे मनन करती हैं, इसे सच में कैसे करती हैं। कुछ मिनटों में आपको ये बताऊंगा, लेकिन पहले मनन क्या है इसके बारे में बताऊं, ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही योग्य है कि इसे समझ ले। मनन करना परमेश्वर के द्वारा दिया तरीका है जिसके द्वारा हम ले सकते हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को और कल्पना कर सकते हैं या इसका चित्र बना सकते हैं कि यह पूरा हो चुका है हमारी परिस्थिति में। चलिए फिर से कहूं, मनन करना परमेश्वर का दिया तरीका है जिससे हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ले सकते हैं और इसकी कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह पूरा हो चुका है हमारे जीवन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये परमेश्वर का दिया तरीका है जो प्रभु ने दिया कि जब हम मनन करते हैं, मनन के बारे में हम बताएंगे, लेकिन जब हम मनन करते हैं और मनन हमारे लिए काम करता है तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का वचन हम में जाएगा और हम परमेश्वर के वचन को मानो दर्शन में देखते जाएंगे, कल्पना में देखेंगे कि यह हमारे जीवन में पूरा हो गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले देखने लायक होना है खुद को, इस तरीके से देखे कि जैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हुआ, आपको खुद को उसमें देखना है इसके पहले कि आप उस जीवन में प्रवेश करें। दूसरे शब्दों में, सरल रूप में बताऊं, अगर आप चंगाई चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद को चंगा व्यक्ति देखें। इसके पहले कि आप अपने शरीर के लिए चंगाई पाए, आप खुद को चंगा देखें। आप खुद को देखें कि आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, भरपूरी से जी रहे हैं, और ये सब आपको खुद को देखना है। जब आप खुद को इस तरह से देखते हैं तो आप जो कुछ भी देखते हैं वो पा सकते हैं। फिर से परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख मैंने तुम्हें राजा, घोड़े और सारे रथ दिए हैं, सारे सिपाहियों को तुम्हारे हाथ में दिया। यानी कहता है, देखो वो तुम्हारे पैरों के नीचे है, देखो कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है, देखो कि तुम उनके ऊपर हो, तुमने उन पर विजय पाई है। देखो, देखे बिना इसे नहीं पा सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं? कैसे देखते हैं? मनन से देखने में मदद होती है। जब आप सीखते हैं कि मनन कैसे करें और मनन कैसे काम करता है, तो आप परमेश्वर के वचन को देख पाएंगे जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं। चाहे आप चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं, चाहे आप विश्वास कर रहे हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता पाने की, चाहे आप संपन्नता पर या किसी बात पर भी विश्वास कर रहे हैं, आपका व्यापार या चाहे जो भी हो, जिस बातों के लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, आप उसके बारे में परमेश्वर के वचन को ले और उसकी प्रतिज्ञाओं को ले जो वो कहता है, आपकी समस्या के लिए प्रभु का जवाब, और उस पर आप मनन करते जाएं। और जब ये मनन आप में काम करता है, मनन का परिणाम ये होता है कि आप जल्दी ही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन वास्तविकता होता है और आप खुद को उस वास्तविकता में चलते हुए देखेंगे। और फिर आप उस वास्तविकता में चलेंगे। पहले आपको देखना है, मानसिक आंखें देखने पाए, आपके मन में देखना है। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जहां तक तेरी आंखें, यानी जितनी दूर तक तेरी आंखें देख सकती है वो मैं तुम्हें दूंगा। उसने जमीन दिखाया, कहा जहां तक तू देख सकता है वो दूंगा। अब देखिए, मनुष्य की आंखें कितना दूर तक देख सकती हैं? ये शारीरिक आंखें कितना दूर देख सकती है? बस थोड़ा ही देख सकती है, उतना नहीं देख सकती जो परमेश्वर उससे देना चाहता था। उतना दूर नहीं, परमेश्वर पूरा देश देना चाहता था, सच में पूरा संसार। और यही तो हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 4:13 में, प्रभु उसे सब कुछ देना चाहता था। और फिर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम देख सकते हो। और फिर परमेश्वर कहता है, जहां भी तू अपने पैर धरेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। तो क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि अब्राहम को सच में जाना था और चलना था और उस देश के हर एक इंच में अपने पैर को रखना था जिसे वो लेने वाला था ताकि वो उसे मिल जाए? ये व्यवहारिक रूप में असंभव होता। और ये तो सच में हजारों हजार ऐसे मील होते, और एक मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य को ऐसा करने के लिए कि वो उसे ले ले, उसे बस चलना था कि हर एक इंच की जमीन पर पैर रखे और उसे ले ले। ये देखिए, ये व्यवहारिक बात नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता, असंभव है। तो फिर परमेश्वर का ये कहने का मतलब क्या था जब उसने कहा, जहां तक तेरी आंखें देख सकती है मैं तुम्हें दूंगा? वो ये नहीं कह रहा था कि जहां तक कि तेरी शारीरिक आंखें दिखती है मैं विश्वास करता हूं। उसका मतलब था जहां तक कि तुम विश्वास कर सकती हो, जहां तक कि तुम्हारा मन इसे देख सकता है, जहां तक कि
तुम अपने मन में लेकर इसे देखते हो कि मैं तुम्हें कहां तक देना चाहता हूं, जहां तक कि तुम देख सकती हो, जहां तक कि तुम खुद को उस देश में चलते हुए देख सकती हो कि उस देश में जी रहे हो, उस देश को ले रही हो, तुम और तुम्हारे वंश के लिए उतनी दूरी तक मैं तुम्हें दूंगा। ये कुछ दिमागी बात के बारे में कहता है और दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। कैसे वो पूरे देश में चल सकता है? पूरे जीवन काल में तो ये असंभव है। आज शायद हम कार लेकर चले जाएं। उन दिनों में यह असंभव था। कैसे पूरे देश में चल सकता था? पूरे देश में दिमागी रूप में चल सकता था, दिमागी रूप में पूरे देश में चल सकता था, दिमागी रूप में पूरे संसार को चक्कर लगा सकता था। कितने लोग सोचते हैं कि दिमागी रूप में आप पूरे संसार का चक्कर काट कर आ सकती हैं, बस दिमागी रूप में, दिमागी रूप में, दिमाग से आप देखते हैं कि आप इन चीजों को लेते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। देखिए ये कहता है ये मन, और इस पर कैसे सोचते हैं। परमेश्वर कहता है अब्राहम तुम देख सकते हो। उसने आसमान के तारे दिखाए और कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगणित होंगे, गिन नहीं सकेंगे, तारे ऐसे ही होते हैं और तुम्हारा वंश ऐसा ही होगा। इसका चित्र बनाओ, खुद को बहुत से देशों के पिता के रूप में देखने लगो, खुद को देखो कि तुम पिता हो एक बहुत बड़े लोगों के समूह के। खुद को ऐसे देखो, हां देखो। अब ये पूरी बाइबल में है, इस तरह की बातें मैं आपको दिखा सकता हूं। ये पूरी बाइबल में परमेश्वर हमेशा चित्र देना चाहता है। वो बस यही तो कर रहा था, वो उसकी मदद कर रहा था कि वो दर्शन देखे, वो सब जो परमेश्वर कह रहा था, जो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा था। अगर वो कल्पना करके उसे देख सकता है, परमेश्वर जो दे रहा है उसे देख सकता, अगर वो उस देश को देख सकता है, अगर वो देख सकता और उसमें से वो चलता अपने मन में, यदि वो विश्वास करता तो वो उसे पा सकता था, यही कहता है। ठीक है, अब चलिए मैं यहां पर आपको एक और परिभाषा देता हूं मनन करने के बारे में, या मनन के बारे में, विवरण के बारे में। मनन करना ये तो आत्मिक क्रिया होती है जो आत्मिक अनुभव को उत्पन्न करती है, कि आपके विश्वास करने वाले सिस्टम को बदल दे तेजी से बढ़ने वाले रूप में, कि आपके विश्वास के सिस्टम को बदल दे बहुत तेजी से बढ़ने वाले रूप में। हम सबका विश्वास का सिस्टम है, ठीक है, हमने ये सिस्टम स्थापित किया। कुछ बातों के लिए कहते नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए संभव है। हम में ये विश्वास का सिस्टम है जो पहले से स्थापित है, हां, लेकिन उस विश्वास के सिस्टम को बदलने के लिए कि आप कहें हां परमेश्वर जो कहता मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, प्रभु कहता है मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं, प्रभु कहता है पा सकता हूं तो पा सकता हूं, अगर प्रभु कहता है संभव है तो संभव है, इस तरह से अपने विश्वास के सिस्टम को बदलना, इसके लिए मनन जरूरी है। तो मनन ये आत्मिक क्रिया है। जब आप मनन करते हैं तो आप आत्मिक क्रिया में से होकर जाते हैं और आत्मिक अनुभव पाती हैं कि बदल दे आपके विश्वास के सिस्टम को बहुत ही तेज तरीके में। ये अनुभव, आत्मिक अनुभव दिया जाता है कि आपके विश्वास के सिस्टम को और भी तेज रफ्तार से बढ़ाते चले जाए। Shall not pass away. Oh,
Ancient of Days. Oh, Ancient of Days. Oh, Ancient of Days. Oh, Ancient of Days. Oh, Ancient of Days. Everybody, join with me, clap, right? Ancient of Days.